सहकारिता के विकास में अहम भूमिका अदा कर रही हैं। जोरदार ताली, श्री श्यामल भाई पटेल जी, अध्यक्ष अमूल। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन अवसर पे उपस्थित यशस्वी दूरदर्शी निर्भीक सहकारिता के पोषक एवं हमारे मार्गदर्शक माननीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार और आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान अमित भाई शाह जी, माननीय भारत सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री एवं पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री महोदय बी एल वर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के अध्यक्ष श्रीमान रियल ग्वारकोट जी, मंच पर उपस्थित गणमान्य समस्त सहकारी बंधुओं, आमंत्रित अतिगण भाइयों एवं बहनों, श्री मीडियाकर्मी और अमूल परिवार से जुड़े लाखों दूध उत्पादकों और से आप सबको इस अवसर पर वंदन एवं अभिवादन करता हूँ। इस शुभ अवसर पर देश के जन जन विकास के सहकारिता शक्ति की पहचान के हुए सहकारी समितियों के उत्थान और किसानों के सशक्तिकरण प्रदान पर समुदाय आधारित विकास में भागीदारी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता ये सहकारिता को उचित स्थान प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहिब जी एवं भारत सरकार के यशस्वी गृहमंत्री एवं सहकारी मंत्री माननीय अमित भाई साहिब ने सहकारी मंत्रालय कार्यालय का सुकान सौंपा है। अमूल और अमूल से जुड़े लाखों किसानों के ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से करोड़ों छोटे उत्पादकों उपभोक्ताओं के लिए मददगार साबित होगा। आज से 75 साल पहले किसी सोचा नहीं होगा कि गुजरात के दो छोटे गांव के सीमंत किसानों द्वारा 250 लीटर से शुरू हुआ अमूल सहकारी मॉडल आज भारत सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन संगठन बना और दूध सहकारी प्रवृत्ति एक दिन देश के विकास का जरिया बनकर समाज से बड़ा कमजोर पिछड़े वर्ग भूमिहीन मजदूर किसानों और ग्रामीण महिलाओं के समुदाय को सफल उद्यमी के रूप में सम्मानित करेगा। साथ साथ हर भारतीय की सुबह स्वास्थ्यप्रद और श्रेष्ठ स्वास्थ्य से भरी बनाएगी। जन कल्याण में राष्ट्र कल्याण के आधार बनाने के अमूल मॉडल के सकल अनुकरण के भारतीय डेयरी क्षेत्र की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया। अमूल से निकली सहकार की भावना ने पूरे देश को अपने प्रभाव में लेकर हमारे किसानों के उत्पीड़न के वीडियो को तोड़ने के लिए प्रेरित किया और भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। लाखों छोटे सीमांत किसानों के सामूहिक ताकत से अमूल ने नेतृत्व के सहकारी समितियों ने वैश्विक दूध उत्पादन के 21% हिस्से के साथ भारत को वैश्विक डेयरी मानचित्र पर प्रमुखता से तीसरे पहुंचा दिया है। एक राष्ट्र के रूप में हम अब डेयरी क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, क्योंकि हमारे किसान हमारे देश में दूध और डेयरी उत्पादों को प्रतिशत मौके पूर्ण करने के लिए पर्याप्त दूध उत्पादन कर रहे हैं। अमूल के अध्यापक त्रिभुवनदास पटेल, स्थानिक नेताओं डॉक्टर कुरियन निर्मित मजबूत नींव लाभ उठाते हुए अमूल फेडरेशन वर्ष 2021 में 53,000 करोड़ से टर्नओवर के साथ आज भारत के सबसे बड़ा खाद्य संगठन है। अमूल फेडरेशन 37 लाख किसान परिवार से लगभग 250 लाख लीटर दूध खरीदता है। एक किसान परिवार गुजरात में 18,600 अधिक ग्रामीण स्तर के डेयरी सहकारी समितियों और 18 जिला स्तर दूध उत्पादक संघ फैले हुए हैं। अमूल अग्र सहकारी आंदोलन का सच्चा उदाहरण है जो सहकार से समृद्धि की ओर ले जाता है। आज दूध सहकारी प्रवृत्ति किसानों की दिशा सुधारने के अलावा नारी सशक्तिकरण एवं बेरोजगारों के रोजगार प्रदान करके समाज का उत्पन्न एवं शोषण रहित समाज की स्थापना में अहम योगदान दे रही है। बिना सहकार नहीं उद्धार मंत्र के आत्मसात करते हुए कोरोना महामारी के दौरान देश में जब दूसरे सभी रोजगार एवं व्यवसाय बंद थे, इन विकट परिस्थिति में भी अमूल सहकारी मॉडल से ग्रामीण परिवारों के किसानों का दूध लेकर उपभोक्ता सुधी अमूल कोरोना महामारी में सहकार से नहीं गाइडलाइन थी, केंद्र सरकार और गुजरात सरकार ने गाइडलाइन थी, अमूल परिवार दरेक गाँव में आ व्यवस्था करी से ये सिर्फ सहकारिता की वजह से संभव हुआ। अमूल की सफलता में श्रेय निस्वार्थ और समर्पित जमीनी स्तर के नेतृत्व की दिशा जाता है, जिन्होंने कार्य संचालन के प्रबंधन के लिए समान रूप से समर्पित प्रतिबद्ध और सहकारी पेशेवरों पर अपना भरोसा जताया। अमूल ने हमेशा नवीन आधुनिक तकनीक को बहुत ही लागत प्रभावी तरह से उपयोग करने के बीड़ा उठाया है और हमेशा कई तरफ से नवीन उत्पादों का प्रदान किया है। अमूल वितरण समकालीन दृष्टिकोण अपनाया है और सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ताओं के उचित मूल्य गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिले और उत्पादक को उपभोक्ता से मिलने वाले रुपये का लगभग 80%
प्रतिशत वापस मिलता है। इस मंच के माध्यम से माननीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री जी भारत सरकार के समक्ष यह अवगत करना चाहता हूँ कि देश के दूध उत्पादक किसानों जो कि लघु सीमांत कृषक के अधिकतम लाभान्वित है, इसलिए अमूल के रूप से हम लगातार अन्य सहकारी संगठनों की सहायता कर रहे हैं और हम भविष्य में भी अन्य सहकारी समितियों के प्रकटन करते और उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपनी विशेषता साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री जी का किसानों के आयु दुगनी करने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए अहम भूमिका निभाते रहेंगे। अमूल फेडरेशन वर्ष 2025 तक समूह कारोबार को दोगुना करने के 1,00,000 करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा है। ये वह अगले 5 वर्ष दूध उत्पादन बुनियादी ढांचे के विस्तार लिए 5,000 करोड़ रुपया का निवेश करेगा। हम अमूल सहकारी आंदोलन के विकास के लिए निरंतर समर्थन और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार के आभारी है। अमित भाई शाह साहेब जिनमें सूर्य जैसा तेजस्वीता है, सागर की लहरों जैसा बहार है, पवन लहरें जैसी जिनकी गति है, ये तीनों का मेल मतलब अमित भाई साहेब की शैली। अस्तु, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार आपका श्री श्यामल भाई पटेल जी। मैं निवेदन करूंगी दान सिंह रावत जी से, चेयरमैन SCB उत्तराखंड।